शिवसेना के गढ़ में भाजपा की भगवा रैली, जय श्री राम के नारे से गूंजा कांदिवली विधानसभा। मुंबई सहित पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कोरोना काल के बाद पहली बार किसी त्यौहार में इतना धूमधाम से मनाते हुए लोगों को देखा गया। करीब 2 साल के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर रामनवमी महापर्व में भाग लेते हुए दिखाई दिए। मुंबई महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर राजनीति को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण सालुंखे के मार्गदर्शन में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ इस बार शिवसेना का गढ़ माना जाने वाला वार्ड क्रमांक 25 से निकाला गया। भगवान से सराबोर इस रैली में बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबनेस्टल, मुंबई। क्या कुछ करना है सबसे पहले इसको बताइए। नहीं, शिवसेना का गढ़ किधर है मेरे को पता नहीं है। मैं तो कांदिवली पूर्व विधानसभा में जहाँ भी देखता हूँ वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र प्रेमी लोगों का, हिंदुत्ववादी लोगों का गढ़ देखता हूँ। और मैं किरण साळुंखे जी और उनके सभी साथीदार, इनको मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि आज रामनवमी के पवित्र दिन पर उन्होंने शिव प्रतिष्ठान के उनके माध्यम से रामनवमी वो मना रहे, साथ में एक भव्य रैली आज उन्होंने रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरा यहाँ का माहौल ये राममय कर दिया और इसके लिए किरण साळुंखे जी और उनके सभी शिव प्रतिष्ठान के सहकारी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम इस संस्कार से बड़े हुए हैं कि जो नहीं रामाचा कामाचा तो कुठल्या कामाचा। और इसके लिए ये रामनवमी का और भी एक वैशिष्ट्य है कि जब अगले बरस की रामनवमी आएगी तब अयोध्या का भव्य राम मंदिर वहाँ उभर कर आएगा और वो भव्य राम मंदिर में सभी भारत के लोग, सभी दुनिया के लोग ये रामनवमी मनाएंगे। विधायक जी, आज सुबह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से सूचना भवन के सामने मनसेन हनुमान चालीसा किया तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज यहाँ भी देखा जा रहा है कि जब भाजपा के तमाम लोग रैली निकाले उस दौरान पुलिस ने कई पाबंदियाँ लगाई, इनके रथ को भी रोका गया कि नहीं लेके जा सकते आप। यहाँ भी देखा जा रहा है कि ऊंची आवाज़ में आप जो है साउंड नहीं बजा सकते, तमाम तरह की पाबंदियाँ बताई जा रही है। देखो, राज्य में जब से ये महाविकास आघाड़ी सरकार है तब से अघोषित आपातकाल है और वो आपातकाल हिंदुओं के लिए है। अमरावती में रजा एकेडमी के नाम पर मोर्चा निकाला तो उनको परमिशन मिली, उसमें दंगल हुआ, दंगा फसाद हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे हिंदू समाज रास्ते पे आया तो उनके ऊपर कार्रवाई की। और इसके लिए ये हिंदुत्व विरोधी सरकार है, ये समाज के विशिष्ट वर्ग की लांगुल चालन करने वाला ये सरकार है और मतों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार काम करती आई है। मुझे लगता है ना इन्होंने विकास का काम किया है, ना इन्होंने हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का कुछ काम किया है, तो आने वाले चुनाव में जनता इनको करारा जवाब इस माध्यम से देने वाली है। क्या आज के दिन लोगों को संदेश देंगे रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम की तरफ? देखो, प्रभु रामचंद्र सिर्फ हमारे नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरे दुनिया के आदर्श है। और इसके लिए प्रभु रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर हर एक व्यक्ति ने, हर एक संस्था ने चलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए महात्मा गांधी जी भी ये कहते थे कि उनकी स्वराज्य की कल्पना यानी राम राज्य की कल्पना है, यानी अच्छे लोगों का अच्छे काम के लिए चला हुआ राज, इसको राम राज्य कहते हैं। और इसके लिए इस राम राज्य का एक प्रतिबिंब हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार में दिखता है। महाराष्ट्र के सरकार से मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आप थोड़ा तो प्रभु रामचंद्र जी के पदचिन्हों पर आपका सरकार का कामकाज करने का प्रयास करें तो महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता को थोड़ी तो राहत मिलने की काम हो सकता है।